हेलो बच्चों, अब तक आपने चैप्टर नंबर सेकंड में हम गॉस के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ा कि एक इनफाइनाइट लेंथ का आपको कंडक्टर दिया हुआ था, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जिसका फॉर्मूला आया था 2k λ/r। हियर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद आपने प्लेन सीट पढ़ी, उसमें कंडक्टर सीट पढ़ी और इंसुलेटर सीट पढ़ी हमने। इंसुलेटर सीट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था E = σ/2ε₀, और कंडक्टर सीट में आया था E = σ/ε₀, जहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। उसके बाद आपने स्पेरिकल सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल। तो स्पेरिकल सेल में आपने तीन कंडीशन पढ़ी, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड में जो फॉर्मूला आया था वो आया था KQ/r², सरफेस पे जो आया था KQ/R², ये मैक्सिमम था, और अंदर जो इनसाइड जो फॉर्मूला आया था वो आया था 0। ये सब आप एप्लीकेशन पढ़ चुके हो। तो जो आज का हमारा नया एप्लीकेशन है वो क्या है, पढ़िए, ये हेडिंग है आज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर दिया हुआ है, सॉलिड है ये, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये होलो स्पेयर होता तो ये स्पेरिकल सेल में कहलाता। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर अलग से दिया हुआ है, इट मीन्स ये होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है। अब हमें सॉलिड हमें इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर आपने स्पेरिकल सेल पढ़ रखा है तो इसमें कोई नया नहीं है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, ध्यान से देखिए। चलो सबसे पहले मुझे के सॉलिड स्पेयर लेना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। तो ये लो, हमने स्पेयर ले लेते हैं, ये लो, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक स्पेयर है सॉलिड। तो मैं थोड़ा अंदर से डार्क कर दूं, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये कैसा है, सॉलिड, हॉलो नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा स्पेयर। अब इसमें क्या क्या अज्यूम कर सकते हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेंटर मान लीजिए आप ओ, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर। मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। अगर ये स्पेरिकल सेल होता तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसकी सरफेस पर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, तो जो चार्ज है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आपने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये लो, स्पेरिकल सेल में और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में यही डिफरेंस है कि स्पेरिकल सेल में तो चार्ज जाता है सरफेस पर और यहां चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो दो बातें आप बोल सकते हो कि लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज एज शोन इन फिगर, हियर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। क्लियर है यहां तक? आपको इस स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वापस से वही तीन कंडीशन पॉसिबल हैं। कौन सी? कि पॉइंट स्पेयर के आउटसाइड में हो, दूसरी कंडीशन पॉइंट स्पेयर के सरफेस पर हो, और तीसरी कंडीशन पॉइंट स्पेयर के अंदर हो। तो स्टार्ट करता हूं मैं पहला पॉइंट क्या होगा कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्पेयर, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो स्पेयर के कहाँ है भाई बच्चों, आउटसाइड में है, आर डिस्टेंस है। तो हम बात कर रहे हैं पहले केस फर्स्ट की, क्या कहता है ये कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड टू स्पेयर। क्लियर? अच्छा, जब पॉइंट आउटसाइड होगा बच्चों तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसी होगी, ज्यादा होगी शायद, यहां पर एक तरीके से।
तो आपने क्या किया था स्पेरिकल सेल में? बिल्कुल स्पेरिकल सेल जैसा ही है। हम क्या करेंगे, एक गॉसियस सरफेस मानेंगे, वो भी स्पेरिकल, आर रेडियस का। तो इसमें एक गॉसियस सरफेस मान लीजिए आप, ये लो, आपने एक गॉसियस सरफेस मान लिया आर रेडियस का, और इस पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लोगे आप, क्या डीएस, क्या मानेंगे बच्चों, डीएस। इस डीएस पर आपको ई वेक्टर डीएस वेक्टर देखना है। तो जैसा आपने स्पेरिकल सेल में देखा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ई वेक्टर के लिए तो रिपल्स कर देना आप इसको, ये तो हो जाएगा ई डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, और डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये हो जाएगा आपका डीएस वेक्टर। तो इनमें जो एंगल है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में, वो जीरो डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इस पर आप अप्लाई कीजिए गॉसियस थ्योरम, और गॉसियस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब स्पेरिकल सेल में आप अलग अलग हिस्से तो कर नहीं सकते कि S1, S2, S3 को अलग कर दिया जाए। सिलेंड्रिकल होता तो आप S1, S2, S3 विचार करते, पर स्पेयर को तो आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, वो एक स्पेयर नजर आएगा। इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहीं पर इसको ओपन करना होगा आपको, क्लोज इंटीग्रेशन। बच्चों ये बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू। एक सिग्मा क्यू क्या होता है, इंक्लूडेड चार्ज इन गॉसियस सरफेस। तो इस गॉसियस सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज आ रहा है, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू, क्योंकि आपने चार्ज क्यू तो डिस्ट्रीब्यूटेड किया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां जो थीटा है बच्चों, वो जीरो डिग्री है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री। तो इसमें आप जीरो डिग्री जमाओगे तो कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। यहां तक बात समझ में आई? आपने गॉसियस थ्योरम अप्लाई किए, गॉसियस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक? और हमने जब डॉट को खोला तो कॉस आया, थीटा की वैल्यू मैंने जीरो पुट की, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन। ये जमा के देखिए कितना आता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियस सरफेस पर बच्चों ई कॉन्स्टेंट होता है, तो ई को आप कहां निकाल सकते हो, बाहर। ई जब बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम बच्चों बात करें अगर स्पेयर की, तो जो क्लोज इंटीग्रेशन डी एस आएगा ना स्पेयर के लिए, वो आएगा फोर पाई आर स्क्वायर। भाई आप इस स्पेयर की बात कर रहे हो ना, रेडियस कितनी है, सिक्स मोल आर। ये वैल्यू पुट कीजिए, देखो कितना आता है, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों ई की, तो ई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो फोर पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, पहले एप्सिलॉन नॉट से कनेक्ट करूंगा, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को के पुट कर सकता हूं, के। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल करके आएगी, वो आएगी ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो स्पेयर के आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद करिए बच्चों, ये ही बिल्कुल स्पेरिकल सेल में था। यानी कि एक बात हमें समझ में आई कि आउटसाइड स्पेयर के बाहर जो चीज स्पेरिकल सेल है, बिल्कुल हूबहू वही नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है। क्लियर है? तो पहले आप कंडीशन नंबर वन नोट कीजिए, उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड कंडीशन की बात करेंगे। क्लियर बच्चों? चलो नोट करो, पहले हेडिंग लिखिए बोर्ड से आप सब, पहले हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। यह आप हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। क्लियर? इसमें आप नोट करिए, लिखिए लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज अरेंज एज शोन इन फिगर। लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली क्लियर है? मतलब आर रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, डायग्राम के अकॉर्डिंग वो रखा हुआ है, और आपका जो चार्ज क्यू है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, लिख दीजिए इस बात को, वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैं रिपीट कर देता हूं, आप सुन लेना, दोबारा सुन लेना कि लेट इन नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज अरेंज एज शोन इन फिगर, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्लियर? ठीक है, कितनी कंडीशंस पॉसिबल है इसमें? तीन। तो आप पहले लिखिए कंडीशन नंबर वन लिखिए, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्पेयर, when point is outside of sphere, ठीक है? और ये डायग्राम बनाइए, चलो पहले आउटसाइड वाला एक स्पेयर ले लीजिए, आर रेडियस का चार्ज क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, स्मॉल आर रेडियस का गॉस सरफेस मान लीजिए, डीएस वेक्टर, ये वेक्टर डीएस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, पूरा लिखो जल्दी से, डायग्राम बनाओ बढ़िया सा एक, ठीक है? चाहो तो स्क्रीन पॉज करके बना लेना भाई, है ना, डायग्राम बना लिए, डायग्राम के बाद लिखिए, चलो आप इसमें थोड़ी थ्योरी लिखा दें, है ना, एक और लिख लीजिए, डायग्राम के बाद लिखना, टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड we consider a spherical Gaussian surface to find out intensity of electric field we consider a spherical Gaussian surface of radius small r to find out intensity of electric field we consider
ए स्पेरिकल गॉसियस सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंसीडर ए स्पेरिकल गॉसियस सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ठीक है. एंड एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट पी वी अज्यूम ए स्मॉल पार्ट डी एस एंड पॉइंट पी वी अज्यूम ए स्मॉल पार्ट डी एस टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंसिडर ए स्पेरिकल गॉसियस सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड एट पॉइंट पी वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एस वेयर आगे लिखिए इसमें वेयर ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन वेयर ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. दोबारा देखिए एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ. हम गॉसियस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आज जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर माना कि लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज अरेंज एज शोन इन फिगर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. स्फीयर में कितनी कंडीशंस होती हैं तीन आउटसाइड ऑफ स्फीयर सरफेस ऑफ स्फीयर इनसाइड ऑफ स्फीयर. सबसे पहले मैंने बात की है कि व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड ऑफ स्फीयर तो आउटसाइड निकालने के लिए मैंने क्या किया कि वी अज्यूम टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी अज्यूम ए स्फेरिकल गॉसियस सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ठीक है. एंड एट पॉइंट पी वी अज्यूम ए स्मॉल एलिमेंट डी एस वेयर ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. क्लियर है कहानी यहाँ तक. ठीक है. तो गॉसियस थ्योरम अप्लाई कीजिए और यहाँ से यहाँ तक स्पीड में नोट कर लीजिए. चलो जल्दी से लिख दो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम. ठीक है. क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और यहां से आप लास्ट तक नोट कर लीजिए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है भाई. तो आप स्क्रीन पहुंच करके ढंग से नोट कर लीजिए यहां तक. मैं सैड हो रहा हूं. हैं आराम से स्क्रीन पहुंच कर लो और लिख लो इसको. चलो तो बच्चों ये तो थी हमारी पहली कंडीशंस कौन सी बेन पॉइंट पी इज आउटसाइड टू स्पेयर के लिए. अब आप लिखिए कंडीशन नंबर सेकंड. दूसरा केस लिखो. चलो यहां देख लो उसको छोटा सा ही है. यहां लिख देता हूं केस नंबर सेकंड. क्या कहता है ये कि व्हेन पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ स्फीयर. मतलब जो पॉइंट है ना वो इसे स्फीयर की सरफेस पर हो. मीन्स स्फीयर सरफेस पर होगा तो बच्चों स्मॉल आर का मान किसके इक्वल होगा कैपिटल आर के इक्वल होगा. क्लियर है. तो ये जो आउटसाइड का फॉर्मूला आया है ना ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इसमें बच्चों स्मॉल आर की जगह आप क्या पुट कर दो कैपिटल आर पुट कर दो कुछ नहीं है. तो इसमें लिखेंगे पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. तो जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर पुट कर दो तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. ये भी वही फॉर्मूला है जो स्फेरिकल सेल में आया था. तो हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए एक तो आउटसाइड निकाल लिया कितना आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. दूसरा मैंने सरफेस पर निकाल लिया कितना आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. बात करूं स्फेरिकल सेल की तो अंदर जीरो आया था पर यहां अंदर जीरो नहीं आएगा इंपॉर्टेंट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यही है और इसीलिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अलग से बढ़ाया जाता है
क्योंकि इसमें पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहां पर आएगा? तीसरी कंडीशन में। क्लियर है? तो आप पहले दूसरी कंडीशन को नोट करो, चलो जल्दी से मैं साइड में हो रहा हूं और बोल रहा हूं, आप लिखो के सेकंड में लिखिए आप, व्हेन पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ स्फीयर, व्हेन पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट लिख देना स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो आउटसाइड था तो स्मॉल आर बड़ा था, सरफेस पे स्मॉल आर बराबर होगा, तो इसमें लिखो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह पर आप कैपिटल आर रख दीजिए और इज इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लो यहां तक। चलो नेक्स्ट, दो कंडीशन हो गई हैं, आउटसाइड ऑफ स्पेयर सरफेस ऑफ स्पेयर। पॉइंट नंबर तीन की बात करें कि जब हमारा पॉइंट कहां हो, इनसाइड ऑफ स्पेयर, तो बच्चों केस नंबर थर्ड है ये, कि व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्पेयर। अच्छा, इनसाइड की बात करोगे बच्चों तो स्मॉल आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, स्मॉल आर लेस देन होगा विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर। क्लियर? अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे एक स्पेयर बनाना होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलते हैं, धीरे धीरे जल्दबाजी मत करना, समझते रहना भाई। सबसे पहले हमने क्या बना दिया, एक स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर से डार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेयर बढ़ा लेना क्योंकि मुझे डायग्राम अंदर सेट करना होगा ना। क्लियर है? आगे देखिए, इसे आप सेंटर मान लीजिए बच्चों ओ, इसे आप रेडियस मान लीजिए इसकी कैपिटल आर, ठीक है, प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको दिया है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू होल वॉल्यूम, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब जो आपको पॉइंट लोकेट करना है वो है इनसाइड ऑफ स्पेयर, तो मैं स्पेयर के अंदर ही कहीं यहाँ, ये लो, ये हमने सब पॉइंट पी मान लिया और ये रेडियस कितनी मान ली मैंने स्मॉल आर। क्लियर है? अब हमें तो इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक स्पेयर मानना होगा, क्या मानना होगा, एक स्पेयर, ठीक है ना, वही वापस से, जैसे पॉइंट बाहर था तो स्पेयर बाहर होकर निकल गया, अब पॉइंट अंदर है तो स्पेयर कहां निकल जाएगा, अंदर होकर निकल जाएगा। तो टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अज्यूम ए स्पेरिकल गॉसियस सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एंड एट पॉइंट पी वी अज्यूम ए स्मॉल एलिमेंट डी एस वेयर ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? फिर आपने क्या लगाया, गॉसियस थ्योरम, चलो लगा के देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समझ में आया आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला स्टेप आप क्या करने वाले हो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थीटा इज जीरो डिग्री, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो क्लोज इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ई डी एस इज इक्वल टू, चर्चा होगी सिग्मा क्यू पर, एंड व्हाट इज सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू इज जो गॉसियस सरफेस आपने मान रखा है उसके अंदर का चार्ज। जब आपने कंडीशन नंबर वन पढ़ी थी बच्चों तो गॉसियस सरफेस बाहर होके गया था, तो उस गॉसियस सरफेस में ये पूरा ही चार्ज आ रहा था, तो मैंने सिग्मा क्यू को क्यू जमा दिया। जब आपने स्पेरिकल सेल की बात की थी तो चूंकि स्पेरिकल सेल में तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अंदर था ही नहीं, तो जो अंदर वाला गॉसियस सरफेस है
उसके अंदर जो नेट चार्ज आया था वो कितना आया था, जीरो, और उसकी वजह से आंसर कितना आ गया था, जीरो। पर अगर मैं ये वाली कंडीशन देखता हूं बच्चों, तो इस वाली कंडीशन में इस जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है, ये वाला जिस हिस्से में मैं लाइनिंग कर रहा हूं बच्चों, इस हिस्से में बाउंडेड चार्ज पूरा तो नहीं है, क्योंकि कुछ चार्ज इस हिस्से में अंदर है और कुछ चार्ज इस हिस्से के बाहर है। तो आप इस हिस्से में जो बाउंडेड चार्ज है सिग्मा क्यू, उसकी वैल्यू क्यों नहीं जमा सकते? पूरा चार्ज कहाँ बाउंडेड है भाई, आप ये सोचो ना कि इस पूरे एरिया में चार्ज है और आपको इतने एरिया का चार्ज चाहिए, तो पूरा चार्ज कहाँ रहा है? और जीरो भी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज है। तो कितना है इसका पता कैसे चले, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। इस क्वेश्चन में पुराना बिल्कुल वही मेथड है जो आपने स्फेरिकल सेल में लगाया है दो तीन बार, आप इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी लगा चुके हो। पर इंपॉर्टेंट बात है बच्चों नेट चार्ज की, कि इस स्फीयर में नेट चार्ज कितना आ रहा है। तो ध्यान से देखना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम है, जो मैंने चार्ज दिया है ना क्यू, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। और पूरा वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, कि चार्ज इन पूरा वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। अगर मैं रेडियस आर मानता हूं तो इस पूरे स्पेयर का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यू, चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इन स्पेयर। कितना है बच्चों, क्यू। इस पूरे वॉल्यूम में पूरा वॉल्यूम लगा लिया मैंने, पूरा वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू, इसमें चार्ज कितना है, क्यू। अब आप यूनिट वॉल्यूम में बात कीजिए, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा बच्चों, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। दिमाग लगा पा रहे हो भैया, इस पूरे स्पेयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर। और इस 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम में नेट चार्ज कितना है, क्यू। तो आपने यूनिट वॉल्यूम का निकाल लिया, कितना आया, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर है। तो जो आपका स्फेरिकल सरफेस आपने माना है उसका वॉल्यूम कितना है, चार्ज इन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू है ना आपके सर, इसका तो वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम का चार्ज कितना आया बच्चों, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और जो हमारा सिग्मा क्यू निकल के आया ना बच्चों, सिग्मा क्यू, वो आएगा क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। मेरे बात आप ध्यान सुनिए, देखो बड़ा सरल कॉन्सेप्ट है भाई, ज़्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे वॉल्यूम का चार्ज कितना है, क्यू। पूरा वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इसका चार्ज तो कितना है, क्यू। यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में कितना आया, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और जितना वॉल्यूम मेरा है कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा क्यू आ गया। और इस सिग्मा क्यू को उठा के ऊपर जमा दीजिए, कितना, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। ये बात समझ में आई आपको, यहां तक सॉल्व कर लो, ई का मान निकाल लो, कैसे निकलेगा बच्चों देखो, इसमें से ई तो कहां आ जाएगा, बाहर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डीएस, जिसकी वैल्यू आप जानते हो, फोर स्पेयर इट इज 4πr² एंड क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर, 4π को नीचे ले जाइए, कितना बचा बच्चों, अच्छा नीचे एप्सिलॉन नॉट और चल रहा है, तो सिग्मा क्यू था, एप्सिलॉन नॉट और आएगा, है ना। तो 4π को यहाँ कनेक्ट करवाऊँ बच्चों, तो ई इज इक्वल टू आपको दिखेगा 1/4πε0 और क्या, क्यू आर अपॉन आर क्यू, इसकी वैल्यू आप के जमा दीजिए, तो ई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा बच्चों, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई, जब हमने, मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने पढ़ाया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
आउटसाइड ऑफ स्पेयर इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, एट सरफेस इट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें अंदर की, तो बच्चों स्पेरिकल सेल में जीरो था, पर यहां के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। नोट करो चलो जल्दी से, अच्छी कंडीशन है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सिग्मा क्यू वैल्यू समझ में आनी चाहिए आपको, तो आप नोट करें। हेडिंग लिखो कंडीशन नंबर थर्ड, मैं बोलता हूं आप प्रस्ताव लिखो। कंडीशन थर्ड क्या कह रहा है लिखो, व्हेन व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्पेयर, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्पेयर, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्पेयर, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, ये डायग्राम बना लो स्क्रीन पॉज करके बढ़िया सा। चलो जल्दी से डायग्राम कैसे बना, समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं आया है तो वीडियो वापस चलाएं, जहां डायग्राम बन रहा है और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। डायग्राम बना लिए और डायग्राम के नीचे ये सिग्मा क्यू वाली कहानी लिख दें पहले पूरी, कि चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू क्यू, चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्यू। ऐसे बच्चों यूनिट वॉल्यूम में निकाल लीजिए, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और जिस वॉल्यूम में आप इसको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू से। सिग्मा क्यू निकाल लो जल्दी से, सिग्मा क्यू आएगा क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, सिग्मा क्यू निकाल लिया ना। अब आप लिखो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, और गॉसियस थ्योरम लगा दो बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पूरा लिख दो। चलो लास्ट आंसर निकाल लो आप, इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। ठीक है भाई, स्क्रीन पॉज करके और रफ्तार में आप नोट कर लीजिए पूरी हेडिंग, स्क्रीन पॉज करो ठीक है, और यहां तक लिख लो के क्यू आर अपॉन आर क्यू। इसी में हम कंडीशन नंबर चार भी बना सकते हैं, आप देखिए ध्यान से। केस नंबर चार सुनिए ध्यान से, पॉइंट को अंदर लाते लाते मैं सेंटर पर ले आऊं। स्पेरिकल सेल में क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि अंदर जीरो है तो हर जगह जीरो है, सेंटर पर भी क्या आएगा जीरो, सोचने वाली बात क्या है इसमें। पर यहां तो अंदर हर जगह अलग अलग है ना भाई, तो आप कंडीशन नंबर चार और बना लीजिए कि व्हेन पॉइंट इज एट सेंटर, व्हेन पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ स्पेयर, जब आपका पॉइंट कहां हो स्पेयर के सेंटर पर, स्पेयर के सेंटर पर। आप सोचिए जब आपका पॉइंट स्पेयर के सेंटर पर पहुंच जाएगा ना बच्चों, तो स्मॉल आर जीरो हो जाएगा। एक्चुअली में स्मॉल आर है क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ही तो है, और जब पॉइंट ही सेंटर पर पहुंच जाएगा बच्चों तो स्मॉल आर कितना आएगा जीरो। तो आप पुट कर दीजिए स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, और जब स्मॉल आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे ना बच्चों तो ई कितना आ जाएगा जीरो। याद रखें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है जीरो, जल्दी नोट कर लीजिए। चलो स्क्रीन पॉज करके फटाफट चारों कंडीशन लिख लीजिए। ठीक है लिख लिया ना,
बात करते हैं बच्चों इसके ग्राफ की, ठीक है ना, ध्यान से देखना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना है, तो इसमें तीन फॉर्मूले आए हैं कि जो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो तो है के के अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जो सरफेस का आया है वो है के के अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जो इनसाइड आया है वो है बच्चों के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। क्लियर है यहां तक? देखिए यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वो स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहां तो मान लू मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, और यहां मान लू मैं डिस्टेंस। सोचिए ये डिस्टेंस जीरो है, यहां कहीं ना कहीं डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगी, सरफेस की बात कर रहा है। इस हिस्से में डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है, मतलब ये हिस्सा आउटसाइड है, और इस हिस्से में स्मॉल आर कैपिटल आर छोटा है तो ये इनसाइड है। बच्चों ये हिस्सा इनसाइड है, ये सरफेस है, और ये आउटसाइड है, डैश डैश डाल दी सरफेस के लिए। अब आप देखिए ये आउटसाइड हुआ एक तरीके से, यहां से यहां तक ना आउटसाइड है। तो जब आप आउटसाइड की बात कर रहे हो बच्चों तो ई आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा आउटसाइड का ग्राफ। बात करूं मैं इनसाइड की तो बच्चों ई प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, और प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। पता है सेंटर से पास क्यों हुआ? क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। इस हिस्से के लिए ई प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, और इस हिस्से के लिए ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ मिलता है किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप देख पाओगे कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो सरफेस पर है। याद रखना सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा? मैक्सिमम। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसमें जीरो दो जगह है, एक तो सेंटर पे है और एक इनफाइनाइट पर भी कितना मिलेगा? जीरो। क्लियर? तो ये हेडिंग थी हमारी स्पेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपका गॉसेस एप्लीकेशन समाप्त होता है, जिसमें अपन ने कौन कौन सी हेडिंग पढ़ी? वायर, कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट, स्पेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ये पांच हेडिंग है, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक एग्जाम में जरूर आती है। आज के लिए इतना ही, मैं साइड में हो रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए आप, और बाकी अपन देखेंगे बच्चों अगली क्लास में। क्लियर है? पूरा ढंग से नोट कर लो, ठीक है। Thank you.